हेलो फ्रेंड्स, माय नेम अस्कर है। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज एकेडमी। और ये ट्रिक नंबर 8 है। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जेई पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, जो कि सैंडविच थ्योरम से है। ये सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और जैसे कि हम वहाँ पर लिखे हैं कि जेई मेन PYQ है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो सैंडविच थ्योरम है, ये सैंडविच थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पॉइंट है, ये क्या लिखा है, इफ वी हैव f(x) लेस देन g(x) लेस देन h(x) बिलोंग्स टू क्या, कितना रहता है, a, b, इंटरवल ए कॉम बी, जिसे यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एच एस ऑफ एक्स। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि सैंडविच थ्योरम इंट्रोड्यूस होता क्या है, जैसे कि आप लोग बर्गर खाए होंगे, तो बर्गर में लेयर बना रहता है, पहले पाव रहता है, उसके बाद उसमें मसाला डाला रहता है, इसी तरह से एक लेयर वाइज रहता है। वही सैंडविच थ्योरम है कि देख रहे हैं कि पहले मान लीजिए ये पाव है, इसके बाद ये जो फंक्शन है उसको जो आलू वालू डाला रहता है, इसके बाद जो मसाला डाला रहता है, ये उसका मसाला है, फिर उसके बाद पाव रहता है। इस टाइप से यही सैंडविच थ्योरम है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट वीडियो है, इसीलिए इसको डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, नहीं तो इसका मैं एक तो मैं ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए उसको नहीं ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ, नहीं तो जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसको मैं जरूर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से बताऊंगा और इजी वे में समझाऊंगा आप लोग को। तो अभी इसको ये से देख लेते हैं, इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है जे पॉइंट व्यू से। तो ये क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट था जैसे कि यहाँ पे था पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स है, तो यही वाला यहाँ पे क्या है पाई, ये क्वेश्चन है, इफ पाई वाई पाई अपॉन ए लेस देन इक्वल टू लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ पाई 4 टू पावर 2 साइन एक्स टू डी पावर 10 डी एक्स लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन पावर बी दिया हुआ है, देन द ए प्लस बी ज्ञान, ए प्लस बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि साइन का रेंज क्या, साइन का रेंज कितना से कितना होता है, साइन का रेंज कितना से कितना होता है, माइनस 1 से 1 होता है, माइनस 1 से 1 होता है। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 टू पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर 4 टू पावर 5 पावर 2 टू पावर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पावर 4 से लेके पावर 2 दिया हुआ है, साइन पावर 2 1 होता है और पावर 4 कितना होता है, तो यहाँ पे एंगल पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 2 इंटू पाई ऑफ 4 पे कितना होता है, 1 होता है, ऐसे 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, इन 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो जीरो इंटीग्रेशन ऑफ पाई ऑफ 4 टू पाई ऑफ 2 1 अपॉन 32 डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई ऑफ फोर टू पावर टू साइन एक्स टू डी पावर 10x डी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ पाई ऑफ 4 टू पाई ऑफ 4 पाई ऑफ 4, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करने पर पाई अपॉन 128 आता है, फिर लेस देन इक्वल टू
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई ऑफ 4 ये फंक्शन है, ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है और ये एच ऑफ एक्स है। क्या है, ये एच ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स इतना आ गया, एफ ऑफ एक्स सेम रख लेंगे, जी ऑफ एक्स इतना आ गया, पाई ऑफ 4 आ गया। इसको मैं कंपेयर करूंगा इससे, ये और इस टर्म से कंपेयर करूंगा इसको इस टर्म से, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो यहाँ पे कितना है 128। तो यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल टू 128 लिखे हैं और ये b इक्वल टू कितना है 4 आया, पाई 4 आया तो मतलब 4 आया, तो 4 आया तो a प्लस बी मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो a प्लस बी 128 प्लस 4 कितना है 132 हो गया, यही फाइनल आंसर है। तो आप लोग इस तरह का वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।